कुटलैंड हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां के कार्यकर्ताओं ने चार बार विधायक भी और चार बार सांसद को भी जिताकर कमल खिलाने का काम संगठन ऐसा है जहां पे पंच परमेश्वर भी है कि नहीं है? तो पंच परमेश्वर को और जनता का पंच पंजे पर भारी पड़ना चाहिए मेरे भाई और बहनों। पिछली बार मैंने कहा था आप चौका लगाओ, कंवर जी बहुत बड़े पद पर बैठेंगे। आपने चौका लगाया, चार चार विभागों के मंत्री हिमाचल प्रदेश में, कोई बना तो कौन बना? वीरेंद्र कंवर जी बने। चार बार जिताए तो चार के बने, पांच बार जिताओगे तो तैयारी है। कंवर जी ने पिछले पांच वर्षों में ना अपनी सेवा में कोई कसर छोड़ी, ना यहाँ के क्षेत्र के विकास में कोई कमी आई। मैं आज भी देख रहा हूं कितने कितने वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर बैठे, धूमल जी के चुनाव से लेकर आज कंवर जी के चुनाव तक, जिन्होंने न जाने 10-10, 15-15 चुनाव लड़ा दिए हैं और हर बार जीत दिलाने का काम किया है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद करता हूं। कुटलैंड की इस धरती को भी, यहाँ की जनता को भी, यहाँ के जनता जनार्दन जो वोट डालते हैं, जिन्होंने कभी हमारी पीठ नहीं लगने दी, सदा कमल खिलाने का काम किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार भाजपा, कांग्रेस के पास तो अपना कैंडिडेट भी नहीं बचा। ये हालत है, लेकिन मित्रों चुनाव है और चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए लड़ना है। इतिहास रचने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कंवर जी की जो स्वभाव है, सरल है, सबसे समन्वय बना के चलते हैं, सादगी है और जनता के बीच में रहने वाले नेता है। आपने एक ऐसा कार्यकर्ता को नेता बनाने का काम किया है जो वर्षों की आपकी मेहनत के बाद बनता है, और उस नेता की ताकत और मजबूत करनी है भाई और बहनों, तो पंच जो कहते हैं ना, पांच बार जीतकर पंच डाल मारेंगे, वो पांच बार जिताने का काम आपने करना है। कंवर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उद्घोष भी विजय जी ने किया, तो विजय का उद्घोष तो हो ही गया। भाई और बहनों, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पूर्व सैनिकों से लेकर हर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए करने का काम किया है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं उपलब्धियों पर नहीं जाऊंगा, आज मैं ये गिनाने नहीं आऊं कि इतने शौचालय बनाए, इतने रसोई गैस के सिलेंडर दिए, इतने पक्के मकान बनाए, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, मुफ्त अनाज दिया, मुफ्त वैक्सीन लगाई, या फिर चहुमुखी विकास की। आज तो मैं इतना ही कहूंगा, कुटलैंड का बेटा वीरेंद्र कंवर ने हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। अब कुटलैंड की ताकत को दिखाने का काम आया है। मैं चाहता हूं कि जब इस बार के रिजल्ट आए तो हम भी सीना ठोक के कह सके, कुटलैंड की जनता ने रिजल्ट कमल का फूल इतनी ताकत के साथ खिलाया है, इसका मुकाबला नहीं कर पाया। आप लोग तैयार हैं लड़ाने के लिए? लड़ने लड़ाने के तैयार हैं? कमल खिलाने के तैयार हैं? कंवर जी को पांच बार जिताने के तैयार हैं? तो पंच भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, तो हर पोलिंग बूथ पर जाकर पार्टी की ताकत को और मजबूत करना पड़ेगा। हर कोई जो कभी दूसरी ओर, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ने सब कुछ करने का काम किया है, आगे भी कहीं पर ब्रेक नहीं लगने वाली है, लेकिन ताकत तब होगी जब हम ऊना की पांचों सीटें जिताएंगे। पिछली बार दो पे कमी रह गई थी, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं पांचों की पांचों भी जीतेंगे, पांच ऊना की भी जीतेंगे, पांचवी बार कंवर जी भी जीतेंगे और हिमाचल में भी 50 पार करके देंगे मेरे भाइयों। मुझे भी पांच जगह नामांकन करवाने जाना है, मैं 1.5 घंटा लेट चल रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे ऊना से जाके वापस जाना है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कंवर जी विस्तार में बोलेंगे और कंवर जी की पूरी बात सुन के बाकी वरिष्ठ नेताओं की आप जाएंगे। आपको देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप पोलिंग बूथ पर पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। भाई वीरेंद्र कंवर जी को पांचवी बार लगा के पंजे पर पंच लगाकर ऐसे धराशायी करेंगे कि उनको भी पता चलेगा कोई आया है। करेंगे नहीं करेंगे? पक्का है ना? पांचवी बारी पक्का कर ले उनका। तो सबसे विदा लेता हुआ ये विश्वास लेकर जा रहा हूं, कंवर जी को पिछला रिकॉर्ड तोड़कर भी हम ज्यादा वोटों से जिताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत। आप